मैं मध्य प्रदेश का भिंड जिला बोल रहा हूँ। मुझे बागियों का गढ़ भी कहते हैं। मेरा भिंड चंबल नदी के बिहड़ के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ कुछ समय पहले तक डाकुओं का राज रहा। भारत में सर्वाधिक साक्षर जिलों में से एक मेरा भिंड मंत्रमुग्ध कर देने वाली वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा मेरे भिंड जिले की मो तहसील में होती है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप वीडियो मध्य प्रदेश से देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे अंदर प्रसिद्ध घूमने की जगह अटेर का किला आप प्राचीन काल से देख सकते हो। साथ ही यह किला 1664 से 1668 के मध्य तैयार किया गया। इस किले को चंबल नदी की घाटियों में बनाया गया। यहाँ पर सिंह का महल, राजा का महल, रानी का महल भी आप देख सकते हो। उच्च गुणवत्ता वाले मानक हाथीपुर खूनी दीवार और 12 हम्बा भी आदि शामिल है। गोहड़ का किला, गोहड़ का किला 1505 में जाट गवर्नर सिंहदेव ने बनवाया था, जो इसका व्यास 45 प्रभावी परिणामों से है। एक अटकल किला है जिसे रणनीतिक कारणों से बनवाया गया था। वन खंडेश्वर मंदिर, भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक वन खंडेश्वर मंदिर को माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में एक लो है जिसे अखंड ज्योति या शाश्वत लो कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। माता रेणुका मंदिर, वीर राजकुमार ऋषि परशुराम के जन्म स्थान के रूप में सम्मानित यह मंदिर माता रेणुका को समर्पित है। बारानसो का जैन मंदिर, यह एक शानदार मंदिर है जो अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए माना जाता है, और इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर की यात्रा की खुशी में बनवाया गया था। अपनी खूबसूरती कारणों के कारण यह मंदिर पर्यटकों को काफी प्रभावित करता है। चंबल वैली भिंड, चंबल नदी भिंड शहर के पास से गुजरती है। चंबल नदी भारत के देश की शुद्ध नदी है। चंबल नदी किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है, क्योंकि इस नदी के किसी भी तरह की कथाएं प्रचलित नहीं है। इस नदी के किनारे ना ही किसी प्रकार का धार्मिक स्थल है, ना ही धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, इसलिए यह नदी प्रदूषण मुक्त है। चंबल नदी का ज्यादातर हिस्सा बिहड़ है। आप चंबल वैली बर्ड वॉचिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको देशी और विदेशी पक्षियों की भरमार देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा चंबल नदी में मगरमच्छ देख सकते हो। ठंड के समय में नदियों के किनारे आराम करते हुए देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। यहाँ चंबल नदी को एरिया है जो बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर आप घूम सकते हो। गोरी तालाब भिंड, गोरी तालाब भिंड शहर में स्थित एक झील है। गोरी तालाब भिंड शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। गोरी तालाब के आसपास बहुत सारे मंदिर है जिसमें आप घूम सकते हो, आपको वहाँ पर शांति मिलेगी। गोरी तालाब के पास गोरी लेक पार्क स्थित है। यह पार्क बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप अपना समय व्यतीत कर सकते हो और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य भी देख सकते हो। नक्षत्र वाटिका भिंड, नक्षत्र वाटिका भिंड शहर में स्थित एक खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर आपको तरह तरह के पेड़ पौधे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पार्क हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी आ सकते हो। यह पार्क मुख्य भिंड शहर में स्थित है। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।